नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल मित्तल सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 11th का 11th चैप्टर कॉनिक सेक्शन ये कर रहे थे। इसके दो पार्ट हमने कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने पहले तो शांकव परिच्छेद को समझा था, उसके पश्चात व्रत और उससे रिलेटेड 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज की वीडियो के अंदर हम परवलय के मानक समीकरण और एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परवलय को समझते हैं। एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु जो रेखा पर स्थित नहीं है से समान दूरी पर है। अर्थात हमने एक स्थिर बिंदु लेना है और एक स्थिर रेखा लेनी है। इन दोनों से समान दूरियों पर रहने वाले बिंदुओं का जो बिंदु पथ है वही परवलय कहलाता है। आइए इस चीज़ को हम समझते हैं विस्तार से। यहाँ हमने एक स्थिर बिंदु ए लिया है और एक ये स्थिर रेखा है, ठीक है। ये जो बिंदु लिया हमने इस रेखा से पृथक लेना है, यानी कि इस रेखा पर नहीं लेना है। ये जो बिंदु है और ये रेखा है, इन दोनों से समान दूरियों पर रहने वाले बिंदुओं का जो बिंदु पथ है वही परवलय है। तो हम उसे देखते हैं। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ कोई बिंदु लेता हूँ तो उसकी इस बिंदु से दूरी ये वाली हो जाएगी, और अगर मान लीजिएगा अगर रेखा से दूरी निकालनी है तो इसकी लंबवत रेखा दूरी होती है। तो मान लीजिएगा मैंने एक पी बिंदु ले लिया। अगर मैं पी को इस ए से जोड़ता हूँ और इस रेखा से लंबवत दूरी लेता हूँ, तो जहाँ लंब डला है वो मान लीजिएगा वो बिंदु बी है, ठीक है। तो ये दूरियाँ अगर समान है तो इस पी बिंदु का जो बिंदु पथ है वो हमारे पास में एक परवलय प्राप्त होगा। यहाँ से जो मैंने इसकी लंबवत दूरी ली है तो यानी कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री होगा। अगर मैं इस पी पॉइंट को इस प्रकार से मूव करूँ कि ये दूरियाँ समान रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ इसे मूव कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे एक आकृति प्राप्त होगी। प्रत्येक स्थिति के अंदर P की A और इस रेखा से जो लंबवत दूरी है वो समान है, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये दोनों हमेशा ही समान रहती है। इस स्थिति के अंदर जो हमें आकृति प्राप्त हुई है वो एक परवलय है, ठीक है। हम इसे प्रदर्शित कर लेते हैं। ये हमारे पास में एक परवलय हो गया और जिसका समीकरण है हम आगे ज्ञात करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस ए से इस रेखा पर लंब डालूँ इस प्रकार से कि ये स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में ये जो पी बिंदु होगा इस स्थिति के अंदर कौन सा, जब मैं ए से इस रेखा पर लंब डाला हूँ तो ये जो बिंदु है ये जस्ट इनका मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये जो मध्य बिंदु है ये इसका शीर्ष कहलाता है। आगे के पार्ट्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे। इस ए बिंदु को हम परवलय की नाभि कहते हैं, जिसे हम फोकस से लिखते हैं, और इस स्थिर रेखा को हम परवलय की नियता कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। आइए हम इसे विस्तार से और समझते हैं। हमने देखा परवलय एक ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जो एक स्थिर रेखा और एक स्थिर बिंदु, और जो स्थिर बिंदु है वो कौन सा है, रेखा पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, से समान दूरी पर है। अर्थात हमने अगर ये स्थिर बिंदु लिया और ये स्थिर रेखा ली है तो ये हमारे पास में एक परवलय प्राप्त हो जाएगा। इस परवलय का अगर मैं कोई बिंदु लेता हूँ, ठीक है, तो इसकी इस स्थिर बिंदु से और स्थिर रेखा से दूरियाँ सदैव समान रहेगी। चाहे मैं यहाँ बिंदु लेता हूँ, अगर यहाँ बिंदु लेता हूँ तो ये दूरियाँ समान होगी, अगर मैं यहाँ बिंदु लेता हूँ तो इसकी ये दूरियाँ भी समान होगी। निश्चित रेखा को परवलय की नियता यानी कि डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और निश्चित बिंदु F को परवलय की नाभि कहते हैं। ये नियता हमारे पास में और ये वाली नाभि, और नाभि को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पश्चात हम परवलय से संबंधित कुछ और चीज़ों को समझते हैं, जैसे परवलय की अक्ष। परवलय की नाभि से जाने वाली और नियता पर लंब रेखा को परवलय की अक्ष कहते हैं। ये नाभि है, नाभि से जाने वाली ये रेखा जो नियता पर लंबवत हो, ठीक है, तो इस रेखा को हम परवलय की अक्ष कहते हैं। परवलय की अक्ष जिस बिंदु पर परवलय को काटता है उसे परवलय का शीर्ष कहते हैं। ये परवलय की अक्ष है, परवलय है, परवलय को यहाँ काट रहा है, ठीक है, इस बिंदु को हम परवलय का शीर्ष कहते हैं। नाभिलंब जीवा, परवलय की नाभि से जाने वाली और अक्ष के लंबवत रेखा खंड जिसके अंत्य बिंदु परवलय पर हो परवलय की नाभिलंब जीवा कहलाती है। तो परवलय की नाभिलंब जीवा कौन सी होगी, ये रेखा होगी हमारे पास में। ये रेखा कौन सी है, ये अक्ष के तो लंबवत है और नाभि से जाने वाली है, और इस रेखाखंड के जो अंत्य बिंदु है ये परवलय पर है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है ये नाभिलंब जीवा की लंबाई होगी, और इसे हम नाभिलंब जीवा कहते हैं।
परवलय के प्रमाणिक समीकरण। परवलय का समीकरण सरलतम होता है यदि इसका शीर्ष मूल बिंदु पर और इसकी सममित अक्ष एक्स अक्ष या वाई अक्ष के अनुदिश हो। इस अध्याय में हम केवल ऐसे परवलयों का अध्ययन करेंगे जिनका शीर्ष मूल बिंदु और अक्ष निर्देशी अक्षों में से है। इसके अतिरिक्त अगर हमने नाभि और नियता अलग लेनी है तो हम इनको उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम केवल उन्हीं परवलयों का अध्ययन करेंगे जिनका शीर्ष हमने मूल बिंदु लेना है और अक्ष है वो एक्स अक्ष या वाई अक्ष में से कोई एक लेना है। परवलय का समीकरण ज्ञात करना। मान लीजिएगा परवलय की नाभि ए कोमा जीरो और नियता एक्स इज इक्वल टू माइनस ए है। हम इसे प्लॉट करते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो नाभि है ए कोमा जीरो और नियता एक्स बराबर माइनस ए है तो इनका जस्ट मध्य बिंदु है ये मिलाने वाला, ये इसका शीर्ष होगा जो कि मूल बिंदु है और ये हमारी एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष हो गई। ठीक है, हम नाभि को एफ से दर्शाते हैं। एफ नाभि के निर्देशांक ए कोमा जीरो और नियता का समीकरण एक्स बराबर माइनस ए और इसका ये शीर्ष इसका मूल बिंदु हो जाएगा 0,0 और इस ये जो नियता है इसको x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रही है माइनस ए कोमा जीरो पर। अगर मैं इस परवलय पर कोई बिंदु लेता हूँ पी एक्स कोमा वाई तो इस p की f से दूरी और p की इस नियता से लंबवत दूरी ये दोनों दूरियां समान होगी तो हमने p को f से मिला दिया और p से इस रेखा पर हमने लंब डाल दिया और मान लेते हैं ये जो बिंदु हमारे पास में आएगा प्रतिच्छेदन इसके निर्देशांक निकाल लिए हमने क्योंकि इसकी ऊंचाई है वो y है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई भी y होगी और ये x इज इक्वल टू माइनस ए पर है यानी कि इसके निर्देशांक माइनस ए कोमा वाई होंगे। ठीक है, तो परवलय की परिभाषा से क्या होना चाहिए कि पी एफ ये वाली दूरी और पी क्यू ये दूरी दोनों समान होनी चाहिए। हमने इसका वर्ग कर दिया पहले, पी एफ का स्केयर इज इक्वल टू पी क्यू का स्केयर और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाया, इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की हमने तो हमें प्राप्त हो गया एक्स माइनस ए का होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्केयर। क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्केयर और पूरे का स्केयर। ठीक है, हम इस चीज़ को सरल कर लेते हैं अब और सरल किया तो हमें प्राप्त हुआ एक्स स्केयर प्लस वाई ए स्केयर माइनस टू ए एक्स एन प्लस का वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर एन प्लस का टू ए एक्स। यहाँ एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर यहाँ भी आ रहा है, ये एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा हमारे पास में माइनस का टू एक्स प्लस वाई स्केयर और यहाँ हमारे पास में टू ए एक्स और ये जो टू ए एक्स है राइट साइड के अंदर चला जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू चार ए एक्स। अर्थात हमने नाभि ए कोमा जीरो ली और नियता अगर x बराबर माइनस ए ली तो हमें परवलय का समीकरण प्राप्त होता है वाई स्केयर इज इक्वल टू चार एक्स। अब हम इसका नाभि लंब जीवा की लंबाई भी ज्ञात कर लेते हैं। वो ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया कि एक रेखा बनाई इस प्रकार से कि जो नाभि से गुजरे और नियता अक्ष के लंबवत हो और जिसके अंत्य बिंदु है वो परवलय पर हो तो ये हमारी नाभिलंब जीवा है जो परवलय को इस बिंदु और इस बिंदु पे काटती है। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए चूंकि ये x बराबर a रेखा पर है तो हमने परवलय के समीकरण में x बराबर a रखा यहाँ तो हमें y स्केयर इज इक्वल टू चार ए स्केयर प्राप्त होगा जिसको सरल करने पर हमें y की दो वैल्यूज आ जाएगी 2a और माइनस 2a। अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास में a कोमा 2a होंगे और इस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास में a कोमा माइनस 2a प्राप्त होंगे। हमने इनके नाम दे दिए b और c। ठीक है, अर्थात नाभिलंब जीवा की लंबाई हमने बी सी ज्ञात करनी है। बी सी लंबाई हमने ज्ञात कर ली जो कि हमारे पास में 4a आ जाएगी क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 2a और इसी प्रकार से ये भी 2a है, दोनों को जोड़ दिया तो हमें BC की लंबाई प्राप्त होगी 4a। अर्थात जब परवलय की नाभि a कोमा 0 और नियता x बराबर माइनस ए है तो हमें समीकरण प्राप्त हुआ वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। इसी प्रकार से अगर हम नाभि ले माइनस ए कोमा 0 और नियता ले x बराबर ए तो हमें परवलय का समीकरण प्राप्त हो जाएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस का 4ax और अगर a कोमा 0 हम नाभि ले और नियता y बराबर माइनस ए ले तो हमें समीकरण प्राप्त होगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay और इसी प्रकार से अगर नाभि हम ले a कोमा जीरो कोमा माइनस ए एंड नियता ले वाई बराबर ए तो हमें परवलय का समीकरण प्राप्त होगा एक्स के रिजिकल टू माइनस चार ए वाई। इन चारों स्थितियों के अंदर हमें शीर्ष हमेशा मूल बिंदु प्राप्त होता है, इन दोनों के अंदर अक्ष हमारी एक्स अक्ष रहती है और इन दोनों के अंदर एक्स हमारी
वाई अक्ष रहती है। हम इस चीज़ को और विस्तार से समझते हैं। हमने चारों के समीकरण लिखे, वाई स्केयर इज इक्वल टू चार एक्स, वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस चार एक्स एंड एक्स स्केयर इज इक्वल टू चार ए वाई और एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस चार ए वाई। इन दोनों स्थितियों में अक्ष हमारी एक्स अक्ष रहती है, ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष के प्रति परवलय सममित होता है क्योंकि इसमें वाई स्केयर आया है, यानी कि वाई अगर स्केयर के अंदर आता है तो एक्स अक्ष होगी और अगर एक्स स्केयर्स के अंदर आता है तो उसकी अक्ष वाई अक्ष होगी, ठीक है। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा, ये राइट साइड की ओर खुलने वाला परवलय, इसी प्रकार ये लेफ्ट साइड की ओर खुलने वाला परवलय होगा, ये अपर साइड की ओर खुलने वाला और ये हमारे पास में डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर खुलने वाला परवलय होगा। इसकी नाभि और नियता देखिएगा, यहाँ नाभि इसकी धनात्मक एक्स अक्ष पर है तो इसकी नाभि के निर्देशांक ए कोमा जीरो और नियता का जो समीकरण है एक्स बराबर माइनस है। इसी प्रकार इसकी नाभि है वो माइनस एक्स अक्ष पर है तो इस नाभि के निर्देशक माइनस ए कोमा जीरो और नियता का समीकरण एक्स बराबर ए होगा। इसी प्रकार इस परवलय की नाभि है जो वाई अक्ष पर है, ठीक है, धनात्मक वाई अक्ष पर है तो नाभि ए कोमा जीरो और नियता वाई बराबर माइनस है और इसके लिए नाभि हमारे पास में जीरो कोमा माइनस है और नियता वाई बराबर ए होगी। परवलय के प्रमाणिक समीकरणों के निरीक्षण से निम्नांकित निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं। परवलय अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। यदि परवलय के समीकरण में वाई स्केयर का पद है तो सममित एक्स अक्ष के अनुदिश है और यदि समीकरण में एक्स स्केयर का पद है तो सममित वाई अक्ष के अनुदिश है। यदि सममित अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है और x का गुणांक धनात्मक है तो परवलय दाईं ओर खुलता है और अगर x का गुणांक ऋणात्मक है तो परवलय बाईं ओर खुलता है। यदि इसी प्रकार से सममिति y अक्ष के अनुदिश है और परवलय के समीकरण में y का गुणांक धनात्मक है तो परवलय ऊपर की ओर खुलता है और y का गुणांक अगर ऋणात्मक है तो परवलय नीचे की ओर खुलता है। इन चारों समीकरण के अंदर वाई स्केयर इज इक्वल टू चार एक्स, वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस चार एक्स और एक्स स्केयर इज इक्वल टू चार ए वाई और एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस चार ए वाई। क्योंकि इन दोनों समीकरणों के अंदर वाई वर्ग के अंदर आया, वाई स्केयर वाली टर्म आई है तो इस दोनों परवलयों की जो अक्ष है एक्स अक्ष होगी, ठीक है, और इसी प्रकार से इन दोनों परवलयों के अंदर एक्स स्केयर वाला पद आया है तो इन दोनों की अक्ष है वो वाई अक्ष होगी, ठीक है। तो चूंकि इसके अंदर x का गुणांक है वो धनात्मक है तो ये परवलय राइट साइड की ओर और ये परवलय लेफ्ट साइड की ओर खुलेगा क्योंकि इसमें x का गुणांक ऋणात्मक है, ठीक। इसी प्रकार इस परवलय के अंदर y का गुणांक धनात्मक है तो ये अपर साइड के अंदर और ये हमारे पास में डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर खुलने वाला परवलय होगा। हम इन चारों परवलयों को के शीर्ष, नाभि के निर्देशांक, नियता के समीकरण, अक्ष का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई के सूत्र लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में पहला समीकरण है वाई स्केयर इज इक्वल टू चार एक्स और इसका चित्र है वो कुछ इस प्रकार से बना है, ठीक है, और हम इसका नाभि का निर्देशांक लिखते हैं, नाभि का निर्देशांक ए कोमा जीरो क्योंकि इसकी धनात्मक एक्स अक्ष पर है और नियता का समीकरण, नियता इसके अपोजिट साइड के अंदर होगी यानी कि एक्स इज इक्वल टू माइनस से, शीर्ष सभी का जीरो जीरो रहेगा और अक्ष देखिएगा क्योंकि इसके अंदर वाई स्केयर टर्म आई है तो ये दोनों ही परवलय एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है, ठीक है, एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित, यहाँ एक्स अक्ष है और इसके सापेक्ष सममित जैसे ऊपर की ओर बना वैसे ही इसकी मिरर इमेज नीचे की ओर बनी है, ठीक है। और अक्ष का समीकरण क्योंकि एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष का समीकरण हमारे पास में होता है वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और नाभिलंब जीवा की लंबाई चारों की ही चार ए रहेगी। अब इस परवलय को देखिएगा, वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस चार एक्स, इसकी नाभि माइनस ए कोमा जीरो और नियता एक्स बराबर ए और शीर्ष के निर्देशांक जीरो जीरो और अक्ष एक्स अक्ष ही है और एक्स अक्ष का समीकरण हमारे पास में वाई बराबर जीरो होता है, नाभिलंब जीवा की लंबाई चार ए। ये परवलय एक्स के रिजिकल टू चार ए वाई क्योंकि इन दोनों परवलयों में एक्स के रिजिकल टू चार ए वाई और एक्स के रिजिकल टू माइनस चार ए वाई, एक्स है वो वर्ग के अंदर आया तो इनकी अक्ष वाई अक्ष होगी, दोनों ही वाई अक्ष के प्रति सममित होंगे, जैसे यहाँ देखिएगा वाई अक्ष के प्रति सममित और जैसा इस ओर बना है इसकी मिरर इमेज इस ओर बनेगी, वाई अक्ष के प्रति सममित रहेगा और ये परवलय भी वाई अक्ष के प्रति सममित है, ठीक है। इसकी नाभि वाई धनात्मक वाई अक्ष पर यानी कि जीरो कोमा ए और इसकी नाभि ऋणात्मक वाई पर है यानी कि जीरो कोमा माइनस इसके निर्देशक है और नियता का समीकरण, इसके लिए नियता का समीकरण वाई इज इक्वल टू माइनस है और इसके लिए नियता का समीकरण वाई इज इक्वल टू, शीर्ष सभी के जीरो जीरो रहेंगे, अक्ष हमने बताई दी है कि इसकी अक्ष वाई अक्ष है क्योंकि इसके अंदर एक्स स्केयर है वो वर्ग के रूप में आया है और अक्ष का जो समीकरण है वाई अक्ष का जो समीकरण एक्स बराबर जीरो होता है और नाभिलंब की लंबाई चारों में नियत रहेगी चार ए, ठीक है। अब हम 11.2 के
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 11.2, जिसका पहला क्वेश्चन हमें कहता है निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभिक निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाबिलम जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने ये चार चीज़ें ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पहला प्रश्न दिया गया वाई स्केयर इज इक्वल टू 12x। परवलय का समीकरण है जो वाई स्केयर इज इक्वल टू 12x, हमने इसकी तुलना की वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax से। इससे तुलना करने पर हमें 4a का मान 12 प्राप्त हो गया, यानी कि a का मान 3 हमें प्राप्त हुआ। अब देखिएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x, हम जानते हैं ये परवलय राइट साइड की ओर खुलने वाला है। परवलय जिसकी नाभि है वो 1,0 होगी और नियता जिसकी x बराबर -a है। तो हमने इसकी चार चीज़ें लिखनी है, एक तो नाभि के निर्देशांक लिखने हैं, एक परवलय का अक्ष लिखना है, नियता का समीकरण लिखना है, नाबिलम जीवा की लंबाई लिखनी है। तो सबसे पहले हम नाभि के निर्देशांक लिखते हैं। नाभि के निर्देशांक 1,0 से, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू हमें 3 दी गई है, तो 3,0 इसके नाभि के निर्देशांक हो गए। दूसरा परवलय का अक्ष, अक्ष इसका x अक्ष है, तो x जिसका समीकरण हमारे पास में होता है y बराबर 0, और नियता का समीकरण है x बराबर -a, अर्थात x बराबर -3 इसकी नियता का समीकरण हो गया। और नाबिलम जीवा की लंबाई होती है 4a, a का मान हमने 3 रखा, तो हमें नाबिलम जीवा की लंबाई 12 प्राप्त हो गई। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड में, जिसमें हमें दिया गया है एक्स के इज इक्वल टू 6y। अब हम इस समीकरण की तुलना कर लेंगे एक्स के इज इक्वल टू 4ay से। इससे तुलना की हमने तो 4a की वैल्यू हमें 6 प्राप्त होगी और a की वैल्यू हमारे पास में आ गई 3/2। क्योंकि ये जो एक्स के इज इक्वल टू 4ay परवलय है, ये अपर साइड की ओर खुलने वाला परवलय है, और इसकी नाभि है वो धनात्मक y अक्ष पर होगी, यानी कि नाभि के निर्देशांक 0,a और नियता का समीकरण y बराबर -a हमें प्राप्त होगा। तो हम सबसे पहले तो नाभि के निर्देशांक लिख लेते हैं 0,a की हेल्प से। a का मान हमने 3/2 रखा, तो नाभि आ गई 0,3/2, और इसकी अक्ष है वो y अक्ष है, क्योंकि ये y अक्ष के प्रति सममित है, और अक्ष का समीकरण x इज इक्वल टू 0। नियता का समीकरण y बराबर -a की हेल्प से y बराबर -3/2, a का मान हमने यहाँ 3/2 रख दिया, और इसके साथ ही नाबिलम जीवा की लंबाई 4a होती है, a का मान हमने 3/2 रखा, तो नाबिलम जीवा की लंबाई हमें 6 प्राप्त हो गई। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कहता है वाई स्केयर इज इक्वल टू -8x। तो देखिएगा हमने इस परवलय की तुलना कर ली वाई स्केयर इज इक्वल टू -4x से। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस था और वाई स्केयर था, तो हमने वाई स्केयर इज इक्वल टू -4x से तुलना की, तो हमें 4a का मान 8 प्राप्त हुआ और a की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 2। और ये जो परवलय है ये लेफ्ट साइड की ओर खुलने वाला परवलय है, ठीक है, जिसकी नाभि -x अक्ष पर होगी, यानी कि नाभि के निर्देशांक -1,0 और नियता का जो समीकरण है x बराबर a हमें प्राप्त होगा। तो हम सबसे पहले नाभि के निर्देशांक लिखते हैं -1,0 की हेल्प से। a की वैल्यू हमारे पास में 2 है, तो -2,0 इसकी नाभि के निर्देशांक, और परवलय का अक्ष इसका x अक्ष है जिसका समीकरण y बराबर 0, और नियता का जो समीकरण है x बराबर a की सहायता से x बराबर 2, और नाबिलम जीवा की लंबाई हमारे पास में 4a, a का मान हमने 2 रखा, तो हमें नाबिलम जीवा की लंबाई 8 प्राप्त हो गई। इसका फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन है सेम, इसी प्रकार से ये आपने इन प्रश्नों को स्वयं हल करना है, चेक करना है कि ये समीकरण एक्स के रिजिकल 4ay रूप का है, या एक्स के रिजिकल -4ay रूप का है, या फिर वाई के रिजिकल 4x रूप का है, या वाई के रिजिकल -4ax रूप का है। ठीक है, तो दो परवलय, एक तो जिनकी अक्ष एक्स अक्ष होती है उनके अंदर तो वाई स्केयर टर्म आएगी, और जिनकी अक्ष वाई अक्ष होगी उनके अंदर एक्स स्केयर टर्म आएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और आपने इन तीनों प्रश्नों को स्वयं हल करना है। अब हम इसके नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें कहा गया है 7 से 12 क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्न 7 से 12 तक प्रत्येक में परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, यानी कि हमने परवलय का समीकरण निकालना है, और यहाँ हमें कुछ प्रतिबंध दिए गए हैं। तो देखिएगा सबसे पहले 7वां प्रश्न, नाभि दी गई है 6,0 और नियता दी गई है x बराबर -6, क्योंकि यहाँ ये जो नाभि है ये धनात्मक x अक्ष पर है, और हम जानते हैं धनात्मक x अक्ष पर नाभि जिसकी होती है उस परवलय का समीकरण y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x रूप का होता है। तो हम लिखते हैं, और डायग्राम इसका इस प्रकार से बनेगा, और इसकी नाभि है जो 1,0 रूप की, यहाँ a की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो हम लिखते हैं क्योंकि नाभि 6,0 नियता x बराबर -6 है, अतः समीकरण y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x रूप में है, जहां a का मान हमने कितना रखना है 6 रखना है, क्योंकि नाभि इसकी 1,0 की हेल्प से a का मान 6, अतः समीकरण आ गया परवलय का y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, a का मान 6 रखा, तो हमें प्राप्त हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x इस परवलय का समीकरण।
नेक्स्ट एथ क्वेश्चन में चलते हैं। एथ क्वेश्चन में हमें दिया गया नाभि 0, -3 और नियता वाई बराबर 3, क्योंकि नाभि इसके ऋणात्मक वाई डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। और ऋणात्मक वाई डायरेक्शन के अंदर जो जिस नाभि होती है तो वो नीचे की ओर खुलेगा और उसका समीकरण हमारे पास में होगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। तो हम लिखते हैं यहाँ जो हमारे पास में परवल्य है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर खुलने वाला परवल्य है और जिसकी नाभि 0, -a और नियता का समीकरण वाई इज इक्वल टू ए। तो चूँकि नाभि 0, -3 और वाई बराबर 3 इसकी नियता है तो परवल्य का समीकरण एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay रूप का होगा। यहाँ ए का मान हमने रखना है, कंपेयर कर लिया इस नाभि की इससे तुलना की तो ए का मान हमारे पास में 3 आ गया है। 3 रखने पर हमारे पास में परवल्य का भी समीकरण प्राप्त हो गया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4 × 3 × y सल करने पर -12y, ये हमारा परवल्य का अभीष्ट समीकरण है। अब हम इसके 9th क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें कहा गया है शीर्ष 0, 0 और नाभि 3, 0 है। तब ध्यान दीजिएगा यहाँ जो नाभि है एक्स अक्ष पर है, धनात्मक एक्स अक्ष पर है, क्योंकि शीर्ष 0, 0 नाभि 3, 0 जो कि एक्स अक्ष पर स्थित है। तब परवल्य का अक्ष एक्स अक्ष और परवल्य का समीकरण वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x रूप का है, जहाँ a का मान 3 होगा क्योंकि नाभि इसकी 1, 0 से हमने तुलना की। a का मान 3 रखकर हमने परवल्य का समीकरण ज्ञात कर लिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि इसका शीर्ष 0, 0 और नाभि है वो 3, 0 यानी कि 1, 0 इधर की ओर, तो परवल्य इस प्रकार से बनेगा और इसका समीकरण वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x रूप का होता है। अब हम इसके 10th क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें शीर्ष दिया गया 0, 0 और नाभि दिए गए -2, 0, क्योंकि परवल्य का शीर्ष 0, 0 और नाभि -2, 0 ये ऋणात्मक एक्स अक्ष पर है जिसका समीकरण है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x रूप का होगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा नाभि अगर हम ऋणात्मक वाई अक्ष पे ऋणात्मक एक्स अक्ष पर लेते हैं तो इसकी जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से होता है और इसका समीकरण वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x रूप का होता है, ठीक है। ये नाभि और ये नियता तुलना करने पर हमें a का मान 2 प्राप्त हुआ, क्योंकि नाभि इसकी -1, 0 होती है और a का मान हमारे पास में तुलना करने पर 2 प्राप्त हो गया और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x में रखने पर हमें समीकरण प्राप्त हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, ठीक है। इसी प्रकार से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया शीर्ष 0, 0 और 2, 3 से जाता है, शीर्ष तो उसका 0, 0 है और 2, 3 से परवल्य जाता है और इसका अक्ष है एक्स अक्ष के अनुदिश है, क्योंकि जब एक्स अक्ष है वो एक्स अक्ष होती है तो उसके दो समीकरण होते हैं, एक तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। यहाँ हम लिखते हैं क्योंकि परवल्य एक्स अक्ष के पारिसमित है और इसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, अतः समीकरण वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x के रूप में है, जहाँ चिन्ह परवल्य का दाईं ओर या बाईं ओर खुलने पर निर्भर करता है। अगर पॉजिटिव चिन्ह है तो दाईं ओर खुलेगा और नेगेटिव चिन्ह है तो बाईं ओर खुलेगा, क्योंकि ये जो परवल्य 2, 3 से जाता है, ठीक है ना, परंतु परवल्य प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु 2, 3 से गुजरता है, इसलिए यह अवश्य ही दाईं ओर खुलेगा और दाईं ओर खुलने वाले परवल्य का समीकरण होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। क्योंकि परवल्य 2, 3 से गुजरता है तो ये 2, 3 बिंदु इसे संतुष्ट करेगा। हमने इसमें x की जगह 2 और y की जगह 3 रखना है, सरल किया हमने तो हमें प्राप्त हो गया 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x की जगह हमने 2 रखा, ये रखने पर हमें प्राप्त होगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a × 2। सरल करने पर हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा 9/8। a का मान 9/8 इसके अंदर रखकर हम समीकरण ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा अभी समीकरण आ जाएगा 9/8 रखा तो 4 उस 8 से कैंसिल हो गया, 2 बना, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, अभी समीकरण हमें प्राप्त हो गया 2y² = 9x, ठीक है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12th में, जिसमें कहता है शीर्ष 0, 0 है और 5, 2 से जाता है और इसकी अक्ष है वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है। क्योंकि अक्ष हमें वाई अक्ष के सापेक्ष सममित दी गई है तो इसका समीकरण है या तो x² = 4ay और या फिर x² - 4ay रूप का होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्योंकि इसका अक्ष है वो वाई अक्ष के पारिसमित है, इसलिए शीर्ष मूल बिंदु भी दिया गया और समीकरण है वो x² = 4ay और x² - 4ay के रूप का है, जहाँ इस परवल्य का चिन्ह है या ये प्लस का या नेगेटिव, ये चिन्ह है ऊपर या नीचे खुलने पर निर्भर करता है, परंतु परवल्य प्रथम चतुर्थांश में स्थित 5, 2 से गुजरता है, इस बिंदु से जा रहा है परवल्य है और ये जो बिंदु है प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि यह परवल्य अवश्य ही ऊपर की ओर खुलेगा, अतः परवल्य का समीकरण x² = 4ay के अनुरूप है। क्योंकि यह 5, 2 से जाता है इसलिए हम क्या करेंगे, 5, 2 इसे संतुष्ट कराएंगे, x की जगह 5 और y की जगह 2 रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a
इंटू दो। सरल करने पर हमें ए की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी 25 बटा में 8, और ए की वैल्यू हमने इसमें रख दी 25 बटा में 8, तो 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा, वो 2 इधर चला जाएगा, तो हमें परवलय का समीकरण प्राप्त हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 25y। ये हमारा इस 11.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट थर्ड यहीं समाप्त किया जाता है। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दीर्घवृत्त को विस्तार से समझेंगे, ठीक है, धन्यवाद।